हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैक्सिमम नॉलेज चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 17 टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बा उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड की बात करते हैं दोस्तों, तो विवाद से विश्वास बिल 2020 को संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है विवाद से विश्वास बिल 2020 को संसद में किसके द्वारा पेश किया गया था? तो निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं हम दोस्तों, नई दिल्ली स्थित प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम क्या है? तो राइट आंसर आ ऑप्शन हो जाएगा सुषमा स्वराज भवन। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है नई दिल्ली स्थित प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम सुषमा स्वराज भवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, पहली बार राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था? तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है पहली बार राष्ट्रीय महिला दिवस 2014 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलमर्ग। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है कि नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन गुलमर्ग में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स की बात करते हैं हम फ्रेंड्स, तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFD की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर 1974 हो जाएगा, 1974। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD की स्थापना 1974 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिम्स्टेक का चेयरमैन देश कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है बिम्स्टेक का चेयरमैन श्रीलंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन एट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ल्ड रेडियो डे 2020 की थीम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर रेडियो एंड डाइवर्सिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है वर्ल्ड रेडियो डे 2020 की थीम रेडियो एंड डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन की बात करते हैं फ्रेंड्स हम, तो इसमें लिखा है मोहम्मद जिन्ना एंड एम्बेसडर ऑफ यूनिटी किताब के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है मोहम्मद जिन्ना एंड एम्बेसडर ऑफ यूनिटी किताब के लेखक सरोजिनी नायडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेंथ की बात करते हैं हम फ्रेंड्स, तो लिखा है फिशरीज के क्षेत्र में साथ काम करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ MOU की मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है फिशरीज के क्षेत्र में साथ काम करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने किस आइसलैंड के साथ MOU को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की बात करते हैं फ्रेंड्स हम, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 फरवरी। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की बात करते हैं हम फ्रेंड्स, तो भाभा कवच किस संस्थान ने विकसित किया? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बार्क। फ्रेंड्स, आपने याद रखना है भाभा कवच किस संस्थान ने विकसित किया? तो बार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोड्रिगो दुतर्ते। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम फ्रेंड्स, हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कोरोना वायरस को क्या नया नाम दिया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोविड 19। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कोरोना वायरस को कोविड 19 नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ 20 साल पुराना रक्षा समझौता खत्म कर दिया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है किस देश ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ 20 साल पुराना रक्षा समझौता खत्म कर दिया? तो फिलीपींस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑफ इंडिया NPC किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्य एंड एवं उद्योग मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑफ इंडिया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अजय वॉरियर भारत और की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा UK। अजय वॉरियर भारत और UK की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 17 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर आपको लगता है चैनल को सब्सक्राइब किया जाए तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ऐसे ही टॉप वीडियो पाने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद, और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को।